नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है संजीवनी बूटी में। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपकी सेहत से जुड़ी बहुत सारी जानकारी दिखाते हैं। कई बार ऐसे घरेलू नुस्खे दिखाते हैं जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नीचे के बाल साफ करने का ये घरेलू नुस्खा। आप इस नुस्खे के द्वारा अनचाहे बालों को हटा सकते हैं। आइए जानते हैं ये नुस्खा क्या है। इसके लिए आपको चाहिए बेकिंग सोडा, जॉनसन बेबी ऑयल और थोड़ी सी हल्दी। अब हम आपको बताते हैं कि इस नुस्खे को बनाना कैसे है। सबसे पहले एक खाली कटोरी ले लीजिए, उसमें डालिए एक छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। इसमें आपको डालना है चुटकी भर हल्दी और कुछ बूंदें डालनी है जॉनसन बेबी ऑयल की। तो दोस्तों, जितना आप पोर्शन लेना चाहें इसमें आप ले सकते हैं। ये हमने इन दो चीजों को डाल दिया है। इसमें हम अभी बेबी ऑयल थोड़ा सा और डालेंगे। अब इस मिक्सचर को आपको अच्छी तरीके से मिलाना है। आपको इसे थोड़ा सा वेट बनाना है, तो आप इसमें और बेबी ऑयल डाल सकते हैं। आपको इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से रखनी है कि ये पिघला हुआ दिखाई दे, ना कि जमा हुआ। उसके बाद इस मिक्सचर को आपको अपने अनचाहे बालों वाली जगह पर लगाना है। दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है। इस मिक्सचर को लीजिए और उसके बाद जहाँ के बाल आप साफ करना चाहते हैं वहाँ पर इसे लगा दीजिए। देखिए, मैंने इसे उस जगह पर लगाया है जहाँ पे ऑलरेडी बाल हैं। इसे 2 मिनट तक ऐसे ही रहने दें, उसके बाद आप इसे नाइफ की सहायता से निकाल दीजिए। याद रखें कि आपको नाइफ का पीछे वाला हिस्सा यूज करना है जहाँ पर धार नहीं होती। ये मैंने नाइफ लिया है इसके इस वाले हिस्से से जहाँ पर धार नहीं है। आप इसे उल्टी दिशा में इस तरह से निकाल दीजिए। जब आप इसे हटाएंगे उसके साथ साथ आपके बाल भी निकल जाएंगे। याद रखें दोस्तों कि इस मिक्सचर को आपको अपने हाथों पर या अनचाहे बालों वाली जगह पर बहुत देर तक नहीं रखना है। ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट के लिए आपको इसे लगाए रखना है, उसके बाद इसे हटा दीजिए। ठंडे पानी से अपने हाथों को या फिर उस जगह को जहाँ के बाल आप हटा रहे हैं उसे साफ कर दीजिए। इस नुस्खे का इस्तेमाल करके आप अनचाहे बालों को हटा सकते हैं। तो दोस्तों, इस नुस्खे का इस्तेमाल कीजिए और हमारे साथ अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिए। देखते रहिए संजीवनी बूटी।